और चलिए अब राजनीति से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में पुराने चेहरे भी शामिल हैं और नए चेहरों को भी मौका मिला है। बीजेपी की लिस्ट में जो पहला नाम है वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो एक बार फिर से वाराणसी से ताल ठोकने वाले हैं। लिस्ट में राजनाथ सिंह के लखनऊ से मैदान में होने का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में बांसुरी स्वराज का नाम भी शामिल है, जो नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाई गई है। हालांकि भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट गया है, लेकिन कई सारे ऐसे चेहरे जिन्हें रिपीट किया गया है, तो कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जो शॉकिंग सबसे ज्यादा रहा, जिनका टिकट काट दिया गया है। लेकिन बीजेपी की यही रणनीति है, बीजेपी का पूरा फोकस है कि कैसे 400 पार का जो नारा दिया गया है उसे पूरा किया जाए, और उसी के लिए अब ग्राउंड पर जो मेहनत होगी वो प्रत्याशियों की तरफ से ही की जानी है जब वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। इसीलिए हर बारीकी को ख्याल में रखकर ही इस लिस्ट को बनाया गया है, और ये सिर्फ 195 उम्मीदवारों की सूची है। अभी हम आपको ये भी बता दें कि एक के बाद एक मैराथन बैठक और होने वाली है। कई सारे ऐसे नाम जिनका ऐलान अब दूसरी या तीसरी सूची में हम देखने वाले हैं, लेकिन पहली सूची से बीजेपी की तैयारी क्या है, रणनीति क्या है, ये जरूर साफ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी खबर यही है कि पहली सूची जारी हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार ही बदल दिया है। मीनाक्षी लेखी का टिकट काट कर बांसुरी स्वराज को पार्टी ने टिकट दे दिया है। टिकट मिलने के बाद बांसुरी स्वराज ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी बनी हैं बांसुरी स्वराज, जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए तमाम लोग जो लोग आ रहे हैं बधाई दे रहे हैं, और बांसुरी स्वराज जो है अब नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली हैं। बांसुरी जी, एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे, जब खबर मिली आप कहाँ थी और पहला रिएक्शन क्या था कि नई दिल्ली से लोकसभा? जी, पहला रिएक्शन बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करने का था। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री पवन राणा जी की, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी की, मेरी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता की मैं कृतज्ञ हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर ये अवसर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ, ये टिकट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। ठीक है, आपको ये टिकट जो है पहली बार दी जा रही है, और पहली बार अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव की, दो महिलाओं को 5 में से बीजेपी ने टिकट दी है, 2 महिलाएं 5 में से, अच्छा खासा रेशियो है। किस तरीके से इसको देखती हैं कि 2 महिलाएं जो हैं, पिछली बार मीनाक्षी जी थी, अब इस बार 2 लोकसभा प्रत्याशी रहने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में महिला सीट देखने को मिली नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंदी गठबंधन का महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर वो केवल चुप्पी साधते हैं। लेकिन हाँ, ये है मोदी जी की गारंटी। जब उन्होंने कहा महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की वो बात करते हैं, देखिए अभी तक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया नहीं है, लेकिन पहले ही भाजपा ने 2 मातृशक्ति को फील्ड में उतारा है। तो मैम, जब फील्ड में आप जाएंगी लोकसभा में, अपने लोगों से के पास वोट मांगने जाएंगी, कुछ टॉपिक्स या कुछ आपने सोचा है कि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं मोदी जी के काम के अलावा? आप सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, और सबसे चहेती अगर मैं कहूं कि वो नेत्री भी रही हैं, तो वो भी आप लोगों को याद दिलाएंगी ना कि उन्हीं के परिवार से आप आई हैं, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, माँ का आशीर्वाद तो सदैव मुझ पर है, और मैं जानती हूँ वो जहाँ पर भी होंगी आज बहुत बलाइयाँ ले रही होंगी। लेकिन हाँ, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, ये सुशासन का आश्वासन है, ये राम राज्य का आश्वासन है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, अमित पांडे दिल्ली से हैं और अमित सिंह लखनऊ से मेरे साथ मौजूद हैं। अमित पांडे, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। ये माना जा रहा था कि बीजेपी की रणनीति ऐसी होगी, जो सीटें हारी हुई होंगी उन पर फोकस होगा और फिर उसी हिसाब से उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ये तो बीजेपी ने तो सबको सरप्राइज कर दिया, एक बार फिर से मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया। और सबसे बड़ी बात अमित पांडे ये है कि ये तो सिर्फ 195 उम्मीदवार हैं, अभी तो लिस्ट और आना बाकी है।
देखिए, अगर हम ये सरप्राइज वर्ड करें, सरप्राइज से ज़्यादा अगर हम इसका पूरा सीटों के जो सूची का आकलन करें तो दूरगामी रणनीति का यह हिस्सा है। आप मसलन के तौर पर, मिसाल के तौर पर आप जौनपुर की सीट को देखिए। जौनपुर की सीट बीजेपी हारी थी और इस बार उनको महाराष्ट्र से जो कृपा शंकर सिंह है, जौनपुर के रहने वाले, वहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ठीक इसी तरीके से आप नई दिल्ली को देखिए, जब बांसुरी स्वराज की हम बात यहाँ पर सुन रहे थे तो पिछले कई समय से वो सक्रिय थी, युवा चेहरा है, महिलाएं। प्रवीण खंडेलवाल को देखिए, चांदनी चौक को, वे व्यापारी नेता रहे हैं और हमेशा से ही बीजेपी की ओर से व्यापारी हितों की बात उठाते रहे हैं। मध्य प्रदेश से देखिए शिवराज सिंह चौहान विदिशा से, उनका हम पहले ही खबर चलाते। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से, मौजूदा सांसद का टिकट काटकर जो उनके पहले पूर्व सहयोगी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ सरकार को लीजिए, उनका टिकट रिपीट किया गया है। तो हम ये एक मिश्रित रणनीति कह सकते हैं, दूरगामी चीज़ों को सोचते हुए और जो पार्टी की जो पॉलिसी रही है उसको ध्यान में रखते हुए। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटों की घोषणा हुई है लवीना, और उसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो अब कई सांसद ऐसे हैं जिनकी उम्मीद लगाई जा रही थी कि टिकट कटेगा, लेकिन उनको टिकट यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो अमित आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दिल्ली की चांदनी चौक सीट से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह इस बार प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। प्रवीण खंडेलवाल जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, केट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको जान रहे थे इस पूरे दौरान, और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। खबर जब मिली तो कहाँ पर थे और रिएक्शन क्या? जब खबर मिली तो मैं मेरे घर पर था और मेरे दो सारथी विपिन आहूजा और सुमित अग्रवाल दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे, और जब विनोद तावड़े जी ने नाम का अनाउंस किया तो ये लगा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने इस योग्य समझा, और उसके लिए उनका भी धन्यवाद, भाजपा नेता का भी धन्यवाद। अब की बार 400 पार देश का व्यापारी पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगला चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और जिस सीट से खास तौर पर आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, व्यापारियों का बहुत वहां पर वर्चस्व है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा उन दोनों पार्टीज के खिलाफ? तो पहली बात तो जिस गठबंधन की आपने बात की वो बेमेल गठबंधन है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उसका तो कहीं कोई लेने देने दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारी हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है और इस चुनाव में भी व्यापारी भाजपा के साथ ही रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली प्रवीण जी? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता। कोई चुनौती नहीं है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। ठीक है, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं और काफी लंबे समय से कहीं दिल्ली की राजनीति का चेहरा भी रहे हैं, कई चेहरों को इस बार बदला गया है, उसका फायदा मिलेगा या लोग जानना चाहेंगे कि पहले वालों को क्यों बदला? देखिए, भाजपा नेतृत्व ने जो भी निर्णय किया बहुत सोच समझ करके किया और भाजपा नेतृत्व का हर निर्णय का स्वागत है। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं और जो चांदनी चौक विधानसभा से जिनको टिकट मिली है, जो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है उनके सामने इस लोकसभा चुनाव के बाद, खास पर की जाए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांटपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। अमित पांडे का एक बार मैं फिर से रुक कर रही हूँ, अमित सिंह का फिर रुक करूंगी, लेकिन अमित, अब दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, क्योंकि दिल्ली को लेकर ही अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो सबसे ज्यादा और बड़े बदलाव किए गए हैं। आपको इसकी रणनीति आने वाले समय के लिए क्या समझ में आती, क्योंकि लोकसभा के लिहाज से तो दिल्ली में बीजेपी पहले से ही स्ट्रांग थी, फिर आखिर रणनीति आगे की क्या है? जी बिल्कुल सही आपने कहा, जो इस पूरी लिस्ट में दिल्ली एक ऐसा नाम था जिसने सबको चौंकाया है, और चारों उम्मीदवारों में मसलन जो दो बड़े नाम कटे हैं, प्रवेश वर्मा और रमेश विदोड़ी, ये दोनों जाट और गुजर का यहाँ पर चेहरा थे पूरी दिल्ली में, और न केवल दिल्ली बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जब अहम रणनीति बनती थी तो इनके घर पर बैठकें होती थी, लेकिन अब इनकी जगह पर जो विधानसभा के नेता हैं उनको टिकट दिया गया है, रामवीर सिंह विदोड़ी को। तो मतलब साफ है कि जो बीजेपी एक व्यापारी वर्ग, युवा चेहरा, इस मनोज तिवारी की उनकी पहले बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन दिल्ली का वो प्रतिनिधित्व रखते हैं, तो हर तरह के हर अलग अलग वर्ग के लोगों को यहाँ पर दिल्ली में प्रतिनिधित्व दिया है, और पार्टी ये जानती है कि दिल्ली से अगर इनको हम अपना चेहरा बनाएंगे तो एक देशव्यापी मैसेज दिया गया, क्योंकि दिल्ली में हर तरीके के लोग रहते हैं, और इसी तरीके से अन्य प्रदेशों में भी टिकट दिया। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, तेलंगाना देखिए,
तेलंगाना में इनके तीन मौजूदा सांसद हैं, तीनों को रिपीट किया है। न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर दिखाई थी। और इसी तरीके से जो दो लोगों ने पार्टी का, गीता कोड़ा और एक अन्य सांसद हैं, उन्होंने रितेश पांडे, वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, उनको टिकट दिया है। तो हर तरीके का मिश्रण है, देशव्यापी इसका जो इमेज परिलक्षित हो इसको ध्यान रखा गया। ठीक है अमित, बने रहेगा हमारे साथ। एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीजेपी ने मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी को टिकट दे दिया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है और उन्होंने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि मथुरा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हेमा मालिनी हमारे साथ में, जो मथुरा से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई हैं, मौजूदा सांसद भी हमारे से जुड़ गई हैं। हेमा जी, कैसा लग रहा है फिर से आपको एक बार उम्मीदवार बनाया गया? कितना जनता आप पर भरोसा लगाई, क्या लगता है? बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। थर्ड टाइम मुझे हमारे ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। अमिताभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमा जी, मथुरा बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती थी, अब दो बार लगातार वहां जीत चुकी हैं, ये हेमा जी का चमत्कार है कि बीजेपी का? नहीं नहीं, बीजेपी का, हमारे सारे कार्यकर्ता इतना काम करते हैं, मोदी जी का दिया हुआ इतनी उपलब्धियों को बराबर लोगों में जाकर बताना, सारा काम हमारे पार्टी के काम करते हैं। प्लस मैंने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, बहुत करना है। जैसे दो बार, हाँ जी बोलिए। हेमा जी, जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाशी काशी का बना, मथुरा में कब आप मथुरा के लोगों को ऐसा दर्शन देंगी ताकि वहाँ भी दुनिया भर से आए? मथुरा तो बड़ा फेमस है, मथुरा में मथुरा सुनिए, मथुरा में तो दुनिया भर के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उधर हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे तो वहाँ के बिहारी मंदिर है और इतने मंदिर, ये तो पूरा नगरी, कृष्ण मंदिरों का ये नगरी है। इसके अलावा अभी कॉरिडोर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, वो सारा काम करेंगे हम। हेमा जी, एक और सवाल, अब मथुरा, हाँ। आप तो मथुरा वासी हो गई हैं, मथुरा के लोग हाँ। आपको वहाँ से निकलने देते नहीं है, आपके तो फैन फॉलोइंग पूरे देश में, आप तो स्टार कैंपेनर हैं, पूरा देश अब इंतजार करेगा कि हेमा मालिनी कैंपेन करने आएंगी कि नहीं, वहाँ ये दर्द बाकी लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा? बाकी वो मालूम नहीं मुझे, मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है, अभी मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्टी। हेमा जी, बहुत बहुत बधाई भी आपको। अमित सिंह लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर इस सूची को देखा जाए तो क्या ये बहुत सधी हुई सूची नहीं लगती, क्योंकि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से आने वाले सभी मंत्रियों पर फिर से भरोसा जताया गया है। रितेश पांडे जो बसपा से यहाँ पर आ जाते हैं उन्हें टिकट मिल गया है, टेनी को लेकर विवाद था लेकिन उन्हें भी टिकट मिल गया, वहां पर इसको लेकर क्या हलचल है इस टिकट के, इस सूची के आने के बाद खासतौर पर? देखिए, 47 जो पुराने चेहरे थे उन्हें रिपीट किया गया है और बीजेपी खास तौर से जिताऊ कैंडिडेट पे दाव खेली है। अजय मिश्रा टेनी को लेकर भले ही कितना भी विवाद हुआ हो, लेकिन अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री थे और वो लगातार अपने क्षेत्र में जाते थे। हेमा मालिनी लगातार अपने क्षेत्र में रहती थी, ब्रजवासियों के बीच में रहती थी और यही वजह है कि बीजेपी को मालूम है कि वो ये जिताऊ कैंडिडेट है। 47 जिताऊ कैंडिडेट को दोबारा से रिपीट किया गया। बीजेपी टिकट देने से पहले ब्लॉक स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट जिले स्तर पर लगातार वो फीडबैक लेती है और जो उनके कार्यकर्ताओं से ग्राउंड जीरो पे जो फीडबैक आता है उसी के आधार पे वो रिपीट कर, वो टिकट देती है और यही वजह है कि 9 जो केंद्रीय मंत्री थे उन पर दोबारा से भरोसा मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने जताया है और इसी वजह से इन्हें टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 4 चेहरे नए हैं इसमें, 47 के अलावा 51 सीटें कुल घोषित की गई हैं उत्तर प्रदेश से, इसमें से 4 नए चेहरे हैं और ये जो 4 चेहरे हैं वो 2019 में हारी हुई सीटों पर उस पर ध्यान दिया गया है। जैसे श्रावस्ती में निपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को टिकट दिया गया है, श्रावस्ती हारी हुई सीट थी। अंबेडकर नगर, हाल ही में कुछ दिनों पहले रितेश पांडे बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए हैं लेकिन रितेश पांडे पे भरोसा जताया है, रितेश पांडे ने पिछली बार बीजेपी के कैंडिडेट को हराया था। इसी तरीके से जौनपुर की बात करें तो वहां से कृपया शंकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जौनपुर में बताया जा रहा है कि जो फीडबैक बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से आया है कि कृपया शंकर सिंह बहुत मजबूती से वहां पर
लड़ेंगे, बहुत टक्कर देंगे। तो इस तरीके से चार नए चेहरे को मौका दिया गया है। रवि किशन और क्या इक्यावन नाम जो यहाँ पर इस सूची में सामने आए, 80 में से 51 तो घोषित ही कर दिए हैं, तो क्या ये नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश पर ही सबसे ज्यादा फोकस करके मंथन मंत्रणा की गई होगी और इसीलिए आधे से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम तो ऐलान कर दिए गए हैं? राम मंदिर क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस बार के चुनाव का कुछ रहने वाला है तो वही है, और उत्तर प्रदेश की 80 सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। बिल्कुल, 80 लोकसभा सीटें हैं और कहा जाता है कि जो केंद्र में सरकार बनती है उसका रास्ता जो है यहीं से होके जाता है, उत्तर प्रदेश से होके जाता है। और तीसरी बार जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से टिकट दिया गया, किस तरीके से माहौल हो गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट केवल वाराणसी काशी में के लोगों के बीच में नहीं होता, मिर्जापुर चंदौली भदोही और जो तमाम गाजीपुर आजमगढ़ इन तमाम जिलों में होता है, बस्ती में होता है। आजमगढ़ से एक बार फिर से निरहुआ को मौका दिया गया है, निरहुआ क्योंकि पिछले बार उन्होंने चुनाव के दौरान धर्मेंद्र यादव को हराया था, तो इस तरीके से जीता। और अगर कंक्लूड करके हमें देखा जाए तो ये है कि बीजेपी की तैयारी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने की, यानी कि क्लीन स्वीप कैसे यूपी में खासतौर पर किया जाए, इसकी तैयारी है। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।